आदाब, मैं आपका साथी अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं एलान टाइम्स और शहाब टीवी। आप पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उनका जो रद्द अमल रहा है, जो रिएक्शन रहा है नबी करीम हज़रत पैगंबर मोहम्मद हज़रत वसल्लम के ताल्लुक से जो उनकी गुस्ताखी की गई है, तो उसको देखते हुए पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में ज़बरदस्त गम गुस्से की लहर है। यहाँ भी आप मुमरा शहर में देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी की यूथ विंग, जिसके प्रेसिडेंट हैं शानू पठान, जो यहाँ के स्थानीय कारपोरेटर भी हैं, उन्होंने अपने साथियों के साथ यहाँ पर दारुल कलाम मस्जिद के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया है। उनके खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है और यह चेतावनी दी है कि इस तरह की गुस्ताखी बंद की जाए, वरना आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि फ्रांस के एम्बेसडर को बुलाकर इससे इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त कड़ी निंदा की जाए। उनका यह कहना है कि सभी धर्म की इज्जत होनी चाहिए, सभी धर्म के जो बड़ी हस्तियां हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए, किसी के खिलाफ कीचड़ नहीं उछलना चाहिए, इसी से शांति बनी रहेगी। ये अपील शानू पठान ने की है। देखते रहें एलान टाइम्स ऑफ शहाब टीवी। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुस्ताके रसूल बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मुस्ताके रसूल बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मुस्ताके रसूल बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मुस्ताके रसूल बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीसफुल प्रोटेस्ट को भी कट्टरपंथी से जोड़ रहा है कि कट्टरपंथी, क्या जवाब दिया जाए? मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनके धर्म के भगवान मानने वाले, चर्च, जितने भी धर्म के समाज के लोग उनके नाम का कोई अपमान करता है तो हम उनके साथ में खड़े, किसी भी धर्म के मानने वाले के भगवान का, या जो मुसलमान हो या कोई भी धर्म के लोग, उनके मानने वालों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की जाएगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई कुछ भी समझे। हमें केस अगर सरकार करती है तो करे, ये केस की बात नहीं है, ये हमारी जान भी जा सकती है तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, ये हमारे नबी की बात है। मोदी सरकार को क्या बोलेंगे आप? मोदी सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से हमारी अपील है कि लक्ष्मी बम पिक्चर आई थी, हिंदू धर्म ने उसका विरोध किया, हम हिंदू धर्म के उस मामले में उसके साथ हैं। ऐसे ही किसी भी धर्म के मानने वाले को अगर आप गलत कहेंगे तो हम उसके लिए हम निंदा करते, ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी दुनिया में मानने वाले, और अमन के नाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं भी देखा जा रहा है, चाहे इस्लाम हो, हर धर्म का मजाक लोग उड़ा रहे हैं, गालियाँ देते हैं, इसके खिलाफ कोई कानून बनाने के लिए आप करेंगे कम अज कम महाराष्ट्र में? क्योंकि देखिए, आप ये बात ध्यान रखिए, सरकार में ऑलरेडी कानून है, किसी भी धर्म को अगर आप अपमान करते तो उसके ऊपर उसके आधार पर एफ आई आर दाखिल होती है। तो फिर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने के नाम पे उनकी शान में गुस्ताखी की जाएगी तो हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कानून बनाया है तो गवर्नमेंट को ऐसे मामलों पे खास एक्शन लेना चाहिए, और सभी धर्म के जो मानने वाले, उन जो धर्म भगवान को मानते, चर्च ईसाई को मानते, जीसस क्राइस्ट को मानते, जो भी लोग मुसलमान को मानते, उनके उनके शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।